मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, वो अल्लाह जिसकी मलकियत है आसमानो ज़मीन, नहीं इला उसके अलावा कोई नहीं है मगर वही, वो जिंदा भी करता है वो मारता भी है। पस तुम उस पर अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके रसूल और उसके उस नबी पर जो उम्मी है, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के कलिमात पर ईमान रखते हैं, वत्तबेऊह उस नबी की इत्तेबा भी करो ताकि तुम हिदायत के रास्ते पे चढ़ सको। हर किस्म की हम्द व सना एक अल्लाह मालिकुल अल्लाम के लिए, जुल जलाल वल इकराम के लिए, जिसने हमें पैदा किया, जिंदगी का मकसद बताया, उस पर अमल करने के लिए, अचीव करने के लिए अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा पैगंबर अता फरमाए। अल्लाह की तरफ से हर किस्म के दुरूद व सलाम हों उस इमाम खुदा महबूब खुदा पे कि जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए एक एक लम्हा इस फिक्र में गुजारा कि ये जहन्नम से बच जाए, गैरों की ग़ुलामी से निकल कर अल्लाह के ग़ुलाम बन जाएं, जन्नत के वारिस बन जाएं। अल्लाह की रहमतें हों उन असहाब मुस्तफ़ा पर, उन फिदायान मुस्तफ़ा पर जिन्होंने इस मकसद को, पैगाम खुदा को उम्मत रसूल तक, मखलूक खुदा का तक पहुँचाने के लिए रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम का दस्तो बाजू बन गए, माल तन मन जान कुर्बान कर दिया और आखरत को तरजीह दे दी, हर मोड़ पर रसूलुल्लाह की इज्जत का ख्याल रखा, एहतराम का ख्याल रखा, रसूलुल्लाह की एतात सारी ज़िंदगी में उन्होंने की और रसूलुल्लाह को छोड़कर किसी गैर की तरफ उनकी निगाह उठी ही नहीं। अल्लाह जहाँ जहाँ ये मुकद्दस हस्तियाँ लेटी हैं, अल्लाह इन पे अपनी रहमतों की बरखा बरसा। अजीज़ाने गिरामी क़दर, भाइयों, बुज़ुर्गों, जवानों, बहनों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। आजकल के रस्म व रवाज ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए इस महीने में उल्फत, मोहब्बत, मवद्दत, प्यार, इकराम और एहतराम, आपके औसाफ, आपके शान, आपकी आज़मत, उसका ज़िक्र किया जाए, आपकी सीरत का तज़किरा हो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये मैं बात कर रहा हूँ आजकल के रिवाज की। मेरे अजीज भाइयों, आज मैं रस्मी तौर पे नहीं बल्कि एक हकीकत के रंग में भाइयों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इंसानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी शख्सियत, आप एक हकीकत हैं। मुसलमान को उस हकीकत पर किस अंदाज में ईमान रखना होगा, या आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि हमारे ज़िम्मे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या हैं, कौन सी ज़िम्मेदारी वाजिब है हम पर के मुसलमान होते हुए या इस्लाम व ईमान पर रहने के लिए, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, जन्नत में जाने के लिए रसूलुल्लाह का एहतराम कितना करना है, कितना एहतराम करेंगे तो रसूलुल्लाह पर ईमान रहेगा,
अगर उसमें कमी कुताही हो गई ना जन्नत मिलेगी ना अल्लाह राजी होंगे ना ईमान बाकी रहेगा। अजीजों और भाइयों और जवानों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की निस्बत से हम पर बहुत सारे हक वाजिब हैं। जिस तरह वालिदैन के ज़िम्मे औलाद के हक होते हैं, औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के हक होते हैं, आप पर मेरा हक है, मुझ पर आपका हक है, पड़ोसी के हक, मजदूर के हक, मालिक के हक, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हम पर बहुत ज़्यादा हक हैं, उनको अदा करना, पे करना हम पर वाजिब है। उनमें से सबसे पहला हक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल डिक्लेयर किया जाए, माना जाए। दूसरा हक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदबो एहतराम, इकराम और तौकीर की जाए। तीसरा हक ये है कि कायनात में जिस ज़ात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो इंसानों में, वो रसूलुल्लाह हो। रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी और से ज़्यादा मोहब्बत न की जाए। इसके अलावा चौथा हक है कि आपकी तालीमात, आपके उस्वाए हसना और नमूनाए जमीला पे अमल किया जाए। आपको एग्जाम्पल मानकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। अगर कहीं पांचवा हक, अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए दीन के मसलों में, जायदाद के मसलों में, रिश्तेदारियों के मसलों में, अगर दो चार दस इंसानों में, जमातों में इख्तिलाफ हो जाए, रसूलुल्लाह के फैसले को, रसूलुल्लाह की हदीसों को आखिरी फैसला मानकर उसके मुताबिक खुशी खुशी उसको कबूल कर लिया जाए और अपने इख्तिलाफ को ख़त्म कर लिया जाए। अगर आपका फैसला आ जाए उस पर फिर तनकीद ना की जाए, खुशी खुशी मान लिया जाए, कुरान और सुन्नत पे अमल किया जाए। आपके हक में से एक हक ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा दुरूद और सलाम पढ़ें नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सारे हुकूक की तफसीलात मैं आज नहीं दे सकता, पहले हक पे गुफ्तगू करूंगा, वक़्त मिला तो दूसरे पे भी जाऊंगा। भाइयों, मैंने ये बात कही, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आज बात को समझने के लिए मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। सिर्फ सवाब के इरादे से, फॉर्मेलिटी के इरादे से ना बैठिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। पहला हक, रसूलुल्लाह पर ईमान लाया जाए, रसूलुल्लाह को अल्लाह का बंदा तस्लीम किया जाए कि आप इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। दलील क्या है? कुरान मजीद की जो आयत मैंने अभी पढ़ी थी, सूरा अल आराफ की 158 नंबर आयत, फरमाया या कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ए नबी, आप लोगों को बता दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ, सहाबा के ज़माने से लेकर क़यामत तक आने वाले लोग, अरब की तरफ, अजम की तरफ, वाइट की तरफ, ब्लैक की तरफ, हर इंसान की तरफ, औरत और मर्द की तरफ रसूल बना के भेज दिया गया हूँ। किस अल्लाह का रसूल? जिस अल्लाह ने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, वही मालिक है। जो अल्लाह ज़िंदा करता है, जो अल्लाह मौत देता है, उस अल्लाह का रसूल किसी को शक न रह जाए।
कि पता नहीं किस अल्लाह का रसूल है ये, उस अल्लाह का रसूल जिसने आसमान और जमीन जिसके कब्जाए कुदरत में मलकियत में है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, और उसके अलावा और कोई नहीं। फरमाया फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबीयिल उम्मी, लोगो अल्लाह को मानो, अल्लाह के नबी उम्मी को मानो। जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की कलाम को मानता है, उस नबी को मानो। और याद रखो, सिर्फ मानो ही नहीं, इकरार ही ना करो, वत्ताबे ऊ हो, जिस तरह मेरा मुस्तफ़ा तुम्हें कहता जाए उस तरह करते जाओ, जिस तरह मेरा मुस्तफ़ा तुम्हें रोकता जाए जिन चीज़ों से रुकते जाओ, जिसका हुक्म दिया जाए कर गुजरो, जिससे रोक दिया जाए उसकी तरफ पलट के न देखो। क्यों? नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट में क्या आएगा? लअल्लकुम तहतदून। इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह को मानो, नबी मुस्तफ़ा को मानो, इनकी इत्तबा करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ, राह हक पे चल पड़ो, शाहराह जन्नत का रोड इख्तियार कर लो। तुम कुफर ना करना, ईमान रखना, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह की नाराज़गी से बच जाओगे, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी का जो है वो टेस्ट तुम्हें हासिल हो जाएगा। यह है कुरान मजीद की एक आयत जहाँ ये कहा गया कि अल्लाह को, नबी को, रसूल भी मानो और अल्लाह के नबी की इत्तेबा भी करो। फिर आगे फरमाया दूसरी आयत सूरह तगाबुन में, فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا। ऐ लोगो, अल्लाह को मानो, रसूल को मानो और उस कुरान को, नूर को मानो जिस नूर को हमने नाजिल किया। अल्लाह को मानो, मुस्तफ़ा को मानो, कुरान मजीद को मानो जो हमने नाजिल किया। والله بما تعملون بصير। तुम मानते हो या नहीं, कितना मानते हो कितना नहीं, तुम जबानी मानते हो या अमली मानते हो, प्रैक्टिस में भी आते हो या नहीं। फरमाया वल्लाहु बसीरुम बि वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। ज़रा सोचिए, पहले कहा गया ऐसा ऐसा करो, अल्लाह को मानो, नबी को मानो, रसूल को मानो, फिर कहा मैं वाच भी कर रहा हूँ तुम्हें इंसानों कि तुम जबान से क्या कहते हो, अमल से क्या करते हो, और तुम कहते क्या हो, करते क्या हो, मैं तुम्हारा एक एक अमल पे निगाह रखे हुए हूँ। अच्छा, हदीस मुस्तफ़ा, आपने फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन अभी। फरमाया उस बंदे को खुशखबरी हो, उस बंदे के लिए गुड न्यूज़ है जिसने मैं मुस्तफ़ा को देखा और मुझ पर ईमान ले आया, मुझ पर ईमान ले आया। और सात दफ़ा खुशखबरी, व तूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन अभी। सहाबियों को एक दफा खुशखबरी, सुनिए सुनिए, तवज्जो कीजिए, आपके लिए, आज के ईमानदार के लिए। फरमाया मेरे सहाबियों, जिसने मुझे देखा फिर ईमान ले आया, एक दफा उसको तूबा खुशखबरी। मगर जिसने मुझको नहीं देखा, मुझ पर फिर भी बिन देखे ईमान ले आया, उसको सात दफा खुशखबरी। अल्लाह, एक हदीस में फरमाया मेरा दिल करता मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबियों ने अर्ज की आका क्या हम तुम्हारे, आपके भाई नहीं हैं? फरमाया नहीं, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, साथी हो। मेरे भाई तो वो हैं जो मुझको देखेंगे नहीं मगर मुझ पर ईमान रखेंगे, मुझको तस्लीम करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, एतात व फरमाबरदारी करेंगे। वो मेरे भाई हैं।
आपने फरमाया मेरा जी करता है मैं अपने भाइयों को देखूं। ओ मुसलमानों खुश हो जाओ, आपके लिए हमारे बाद आने वालों के लिए ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, जरा नम हो हम भी बड़े दर्जे हासिल कर सकते हैं। रब्बे अकबर की कसम, अगर हमारा रास्ता सीधा हो जाए, क़िबला दुरुस्त हो जाए, सिमत दुरुस्त हो जाए, हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत पूरी हो जाए, सहाबा जैसा तरीका कार हो जाए, सहाबा जैसा जोश व जज्बा हो जाए, उन जैसा ईमान हो जाए। भाइयों यहाँ भी पता चला कि रसूलुल्लाह को मानना फ़र्ज़ है। मैं सिर्फ़ ज़बानी नहीं कह रहा कि मानना चाहिए आपको, बल्कि किताब व सुन्नत से, कुरान से, हदीस से दलायल पेश कर रहा हूं इस बात पर कि आप पर ईमान लाना वाजिब और जरूरी है। हदीस मुस्तफा एक और सुनिए, फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला यस्मा बी अहदुम मिन हादिहिल उम्मते, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, कोई भी इंसान इस उम्मत का, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो, अगर उसने मेरे बारे में कुछ सुना, एज ए रसूल उसने मेरी बात सुनी, मेरी बात उस तक पहुंची और वो मर गया बगैर ईमान लाए, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत उसका हक नहीं होगी। और दोस्तों प्यारे नबी के बारे में मैसेज आ जाए कि अल्लाह के नबी हैं, उनको मानना है। अगर इस दुनिया में कोई इंसान रसूलुल्लाह को रसूल माने बगैर मन गया, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, चाहे वो बड़ा ही नेकोकार बज़ाहिर क्यों ना हो दुनिया की निगाहों में, मगर सारी नेकियों के बावजूद उसने जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाली कुताही की है वो सबसे भारी है और सबसे बड़ा जुर्म जो है उसने किया है। मेरे भाइयों एक और हदीस में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मेरा रसूल मेरा बंदा है, फरमाया 15वां पारा शुरू होता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। किसको सैर कराई गई, किसको मेराज कराया गया, वो अल्लाह का बंदा है। एक और हदीस में इस तरह आया, आपने फरमाया मेरी इज्जत और एहतराम करो, मगर ला ततरूनी कमा अतरत नसारा ईसा बिन मरियम, मुझे इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश ना करो जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया था। मेरे साथ उस तरह की मोहब्बत ना करो, मेरे साथ उतना गुलूव ना करो जिस तरह ईसाइयों ने मोहब्बत के आम में, मोहब्बत के रंग में, जज्बात में आकर अल्लाह के नबी को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। फरमाया आना अब्दुन, मैं अल्लाह का बंदा हूं, कूलू अब्दुल्लाह व रसूलू, मेरे बारे में ये अकीदा रखो कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे भाइयों ये दलाइल थे जो इस बात के मुतकाजी हैं कि ईमान रखा जाए पूरा दिलो जान से, मजबूती के साथ ईमान सादक इस बात पे रखा जाए कि अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के सच्चे सुच्चे साफ सुथरे पाकीज़ा बंदे, मगर तमाम बंदों में सबसे आला अरफा औला आपकी शान के मुकाबिल किसी का मर्तबा नहीं है। अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर नूर का हिस्सा नहीं है, अल्लाह के नबी इल्मे गैब नहीं जानते, आप वो इंसान हैं जो एक इंसान होता है, वो आपके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं जो एक इंसान में पाई जाती हैं, नूरियों वाली खसूसियात आप में नहीं, फरिश्तों वाली खसूसियात आप में नहीं, इल्मे गैब जानने वाली खसूसियात आप में नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की सूरतुल अनआम में फरमाया कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैबा वला अकूलु लकुम इन्नी मलक, आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लोगो
ए अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी लोगों को बता दो सूरतुल अनआम, फरमाया कह दीजिए कि मैं ना तो तुम्हें ये सबक देता हूँ, कहता हूँ कि मैं इल्मे गैब जानता हूँ, अल्लाह के ख़जाने मेरे पास हैं, ना मैं तुम्हें फरिश्ता होने का दावा करता हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मुझ पर वही की जाती है, वो वही मैं तुम्हें आगे पहुँचा देता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में की लाइन जो है वो वही के मुताबिक सीधी रखता हूँ, जब वही मुझे रोकती है रुक जाता हूँ, तुम्हें रोक देता हूँ, अगर वही मुझे कुछ करने के लिए कहती है वो मैं खुद भी करता हूँ, तुम्हें खुद कहने के लिए भी कर देता हूँ। कुरान मजीद का दूसरा मुकाम फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सिन, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ऐ लो मुस्तफ़ा से कहलवाया गया मेरे मुस्तफ़ा लोगों को बताओ कि मैं अपने लिए ना नफ़ा कर सकता हूँ ना नुकसान, मैं अपने आप को नफ़ा और नुकसान देने पर कादिर नहीं, मुझे नफ़ा और नुकसान सिर्फ वही पहुंच सकता है जो अल्लाह चाहता है। अगर मैं इल्मे गैब जानता होता, अल्फाज पे गौर करो, वलौ कुंतु आलमुल गैबा लस्तकसरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू, अगर मैं इल्मे गैब जानता होता, बहुत सारे खजानों का मालिक होता और कभी बीमारी तकलीफ दुख मुझे ना पहुंचता, वमा मस्सने यस्सू, फरमाया इन आना इल्ला नज़ीरुं व बशीर, मैं तो सिर्फ खुशखबरियां देने वाला हूं ईमान वालों को और ईमान से गुरेज करने वालों को डराने वाला हूं, लिकौमी यूमिनून, वो लोग जो ईमान रखते हैं। मेरे भाइयों, ये था पहला हक आपका। दूसरा हक है आपका कि आपका अदब व एहतराम किया जाए, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर की जाए, आप जितना एहतराम आपका किया जाए उस जैसा किसी और का अदब एहतराम न किया जाए। मेरे भाइयों, जिस तरह हम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, आपस में एक दूसरे को जिस तरह नबी मुस्तफ़ा को आपस में जिस तरह मुखातब किया जाता है ओए कहकर, उस तरह आपको न बुलाया जाए। कुरान मजीद में ये अल्फाज आए, फरमाया ला तजालुर रसूल, ला तजालु दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, लोगो अल्लाह के मुस्तफ़ा को उस तरह न बुलाओ जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। हम आपस में अरबी में बुलाएं तो किस तरह कहेंगे, या अब्दुल्ला, या इदरीस, या मोहम्मद। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा को इस तरह मुखातब ना करो जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। दूसरे मुकाम पे फरमाया मेरे नबी के सामने अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात, अगर हमारा वालदे मोहतरम बैठा हो, हम ऊंची ऊंची बोले, सुनने वाला हमें क्या कहेगा, बदनसीब गुस्ताख। और अगर हम अपने बड़ों के सामने इस तरह बोले तो गुस्ताख, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ ऊंची की जाए तो अमल बर्बाद हो जाते हैं, नमाजें बर्बाद हो जाती हैं, सदकात बर्बाद हो जाते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम तशऊरून व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी के मुकाबले में, नबी की मौजूदगी में आवाज़ों को बुलंद न करो। और फरमाया इस तरह अपने नबी को ना बुलाओ जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, अगर ऐसा करोगे तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें इलम तक नहीं होगा, तुम्हें इलम तक नहीं होगा। एक जगह पे और फरमाया फल्लदीन आमनू बिही वाज़रूहु व नसरूहु व तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए, उन्होंने नबी की इज्जत व एहतराम की और अपने नबी की मदद की, व तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला अलैहि उन्ज़िला माहु, फरमाया उस कुरान की नूर की भी उन्होंने इत्तबा की, उसको माना, उसके मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारी जो मुस्तफ़ा पर नाजिल किया गया कुरान की शक्ल में, यही लोग कामयाब हैं। मतलब ये कि जो नबी का अदब न करेगा, नबी का एहतराम न करेगा, ज़रूरत पड़ने पर नबी की मदद नहीं करेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो जन्नत में जाने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में इरशाद हुआ, फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। फरमाया हमने
ऐ मुस्तफ़ा आपको शाहिद बना के भेजा, हमने आपको जो है गवाह बना के भेजा, हमने आपको नज़ीर व बशीर बना के भेजा, ताकि लोगों तुम ईमान ले आओ इस नबी पर, उस नबी की इज्जत व एहतराम भी करो। वह तो सब बेहू हो बकरत वसीला, और अल्लाह की सुबह शाम तस्बीहात करते रहो। मेरे भाइयों, मैं और आप क्या चीज़ हैं। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम के दरमियान कुछ तकरार हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई बात कही, रसूलुल्लाह भी मौजूद थे, हजरत उमर ने उसके मुखालिफ अपनी राय दी। मसला ये था कि किसी काफले का अमीर बनाना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी राय दी, हजरत उमर ने अपनी राय दी कि इस बंदे को अमीर बना लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी मुखालफत क्यों करते हो? आपने फरमाया हजरत उमर ने कि मैं आपकी मुखालफत कतअ नहीं करता। ये बात चल रही थी, आवाज़ें दोनों की ऊंचा हो गई। मैं और आप कौन? अबू बकर सिद्दीक कायनात में इंसानों में नबियों के बाद अगर किसी का मुकाम है तो उसका है, उसके बाद अगर किसी का मुकाम है तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुम का है। ये आयतें नाजिल हो गई कि अपनी आवाजों को पस्त रखो। भाइयों, रवायतों में आता है सहाबियों का ईमान, देखो खुदा की कसम, अब इसके बाद उमर फारूक नबी की मौजूदगी में इतने आहिस्ता बात करते कि रसूलुल्लाह को कई दफा दोबारा पूछना पड़ता कि उमर आपने क्या कहा है। रसूलुल्लाह का अदब एहतराम, रसूलुल्लाह के सामने अपनी आवाजें। एक सहाबी साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुदरती फितरती आवाज ऊंची थी। जब ये आयतें नाजिल हुई, मस्जिद आना छोड़ दिया। मैं और आप तो मस्जिद नहीं आते कि दुकान खोलनी है सुबह उठ के, बच्चे उठ जाएंगे, टाइम नहीं मिलता। साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हो ने मस्जिद आना छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की मजलिस में आना छोड़ दिया। जब ये आयत नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में आवाजें अगर तुमने बुलंद की तो अमल बर्बाद हो जाएंगे, इस डर से मस्जिद में नहीं आ रहे। रसूलुल्लाह ने पूछा, साबित बिन कैस कहाँ गया? सहाबियों ने कहा, हम पता करके आते हैं क्यों नहीं वो आ रहे। पता किया, भाई तुम मस्जिद क्यों नहीं आते हो? कहा, मैं मुनाफिक हो गया, मेरे अमल बर्बाद हो गए, मेरी आवाज़ तो रसूलुल्लाह के सामने बड़ी बुलंद होती है, लिहाजा मैं तो मर गया, जहन्नमी बन गया। देखिए फिक्र सोच, अल्लाह के नबी को आके बताया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ उसको जाके कहो तुम जहन्नमी नहीं जन्नती हो, तुम्हारी आवाज़ फितरती ऐसी है। भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ, सहाबा का अदब एहतराम रसूलुल्लाह के लिए, अपनी कुताहियों को किस तरह दूर करने की कोशिश की जाती है। हम अपनी कुताहियाँ दूसरों पे डालते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय तावीलें करते हैं। आइए, ये हैं वो सहाबा जिनको जन्नत मिली, जिनको एक दफ़ा खुशखबरी मिली ईमान लाने की शक्ल में। आपका मुकाम तो कुछ और है, अगर हम सीधे बन जाएं तो 7 दफ़ा खुशखबरी दी गई है हमें बिन देखे मुस्तफ़ा को ईमान लाने की शक्ल में। अल्लाह मुझे और आपको जो है वो इस बात पे हमें कायम रखे, ईमान बचा के रखे। पहले नंबर पर ईमान बड़ी कीमती चीज़ है, इसको हासिल करो, अगर हासिल हो जाए तो फिर ये बड़ी कीमती चीज़ है, इसकी हिफाजत करो, इसको शिर्क व बिदअत की गिलाजतों से बचा के रखो, रियाकारी से बचा के रखो, हर लिहाज से इस ईमान की जो है वो केयर करो, इसकी हिफाजत करो, इसको मजबूत बना के रखो, इसमें कमी ना आने दो। जिस तरह बैंक बैलेंस में चाहते हो कि 400 की बजाय 500 हो, 400 की बजाय 4000 बन जाए, ईमान भी बढ़ता है और थोड़ा होता है। नेकियों के काम किए जाएं, मुस्तफ़ा की इताअत की जाए तो ईमान बढ़ता है। मुस्तफ़ा की
जो है वो अगर इत्तेबा न की जाए, नाफरमानी की जाए, तो ईमान थोड़ा होता है। लेकिन याद रखो, मुस्तफ़ा की इत्तेबा या मोहब्बत का तकाजा एक ये भी है कि आपकी इत्तेबा की जाए, ज़बानी जमा खर्च ना किया जाए, साल में एक मर्तबा जुलूस ना निकाला जाए, साल में एक मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ ना की जाए, साल में एक दफ़ा कुरान की जो है तिलावत न की जाए, खाना पका के खाया खिलाया न जाए। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा तो दिन रात में करनी है। हम सालाना एक दफ़ा मोहब्बत का करके, अगर हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है हमने, तो फिर हमें दिन रात करनी है। साल में एक दफ़ा यौमे पैदाइश के दिन नहीं, फ़र्क कीजिए, रसूलुल्लाह के यौमे पैदाइश के दिन मोहब्बत का मतलब यह है कि उस दिन से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से नहीं। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो उस दिन के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह तफसीलात हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अनायत फरमाए।